Got it? Jai Bhi. So, you've been dwelling in the blue sky. तो कल आप नीले आसमान में विहार कर रहे थे. And I hope you've got some deeper feeling for what that means. और मुझे लगता है कि उसका क्या अर्थ है वो आपने और गहराई से महसूस किया होगा. Then the rainbow-colored cloud has appeared. और उसके बाद जो इंद्रधनुषी रंग का बादल है वो उसमें से उभर कर आया था. And again, I hope you've got some deeper feeling for what that means. और फिर मुझे उम्मीद है एक बार कि आपने महसूस किया होगा कि उसका क्या अर्थ है. At the very least, I hope you realize that you don't know what it means. या कम से कम आपको इतना समझ में आया होगा कि आपको नहीं पता कि उसका क्या अर्थ है. Because it's something beyond our conceptual understanding. क्योंकि संकल्पनाओं के मदद से चीजों को समझने वाली हमारी जो समझ होती है ये बात उसके परे की है. Then the refuge tree grows out of the rainbow-colored cloud. उसके बाद जो शरण वृक्ष है वो विकसित होता है वो इंद्रधनुषी रंग के बादल में से. Wait a minute. Yes. Wait a minute. तो एक मिनट रुकिए. Clouds don't have trees growing out of them. तो बादलों में से कभी वृक्ष नहीं विकसित होते. I've never seen that. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है. That obviously means something, doesn't it? Yeah. तो जरूर इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा. After all, where something grows from is where the roots are. Yeah. तो जब भी किसी चीज को बढ़ना होता है वृक्ष जैसी तो वो वहां से बढ़ती है जहां पे उसकी जड़ें होती हैं. So the roots of the refuge tree are in the rainbow-colored cloud. तो ये जो शरण वृक्ष है इस शरण वृक्ष की जड़ें उस इंद्रधनुषी रंग के बादल में हैं. And the rainbow-colored cloud is in the blue sky. और ये इंद्रधनुषी रंग का बादल नीले आकाश में है. मतलब क्या? तो मतलब क्या हुआ इसका? Well, in a way, it's quite simple, isn't it? तो एक तरह से ये बात बहुत ही सीधी सादी है. The refuges, the Buddha, Dhamma, and Sangha draw their strength not from the earth. तो ये जो शरण स्थान है हमारे तो ये जो है अपनी ताकत पृथ्वी से नहीं लेते हैं. They draw their energy from shunyata. तो वो अपनी ताकत जो है वो शून्यता से प्राप्त करते हैं. That's what they come out of. और उसी में से वो बाहर आते हैं. So this is very important to understand this. तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है. Everything that's going to be appearing comes out of the blue sky. तो जो भी चीजें उभर कर आपके सामने प्रकट होने वाली है वो नीले आकाश में से आने वाली है. So the Buddha sits on a lotus. तो बुद्ध जो है वो कमल के पुष्प के ऊपर आसीन है. Lotus grows from the tree. और ये जो कमल है वो उस वृक्ष में से खिला है. The tree is rooted in a cloud. और इस वृक्ष की जड़ें जो है बादल में है. And the cloud is in the blue sky. और ये बादल नीले आकाश में है. So if one can get a real sense of shunyata in the contemplation of the blue sky, then you'll transfer that all the way up. तो अगर नीले आकाश के विषय में चिंतन करते हुए आप इस शून्यता को समझ गए तो सब कुछ जो है उसमें से उभर कर आएगा आपके सामने. So you'll recognize the Buddha too is rooted in the blue sky. और फिर आपके ध्यान में आएगा कि ये जो बुद्ध हैं उनकी जड़ें भी जो है वो नीले आकाश में हैं. Rooted in shunyata. और वो जो है शून्यता में स्थापित है. So clearly there's a lot for us to contemplate here. तो यहाँ पर चिंतन करने लायक बहुत सारी बातें हैं हमारे लिए. And a lot for us to reflect upon. और बहुत सारी बातें जिसके विषय में हम सोच सकते हैं गहराई से. Actually, there's also some study to be done. यहाँ पे कुछ अभ्यास करने की भी आवश्यकता है. So that we really do understand at least intellectually, theoretically, what ताकि कम से कम हम बौद्धिक रूप से या संकल्पनाओं की मदद से समझ पाए कि शून्यता का अर्थ क्या होता है. Really important that we have a clear conceptual understanding. तो
तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि संकल्पनाओं की हमें स्पष्ट रूप से समझ हो. Otherwise, our meditative practice is going to be wrongly guided. नहीं तो हमारे जो ध्यान का अभ्यास होगा उसको एक गलत दिशा प्राप्त होगी. Sometimes we think, oh well, that's just intellectual. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बातें तो केवल बौद्धिक हैं. But the intellectual is important. लेकिन बौद्धिक बातें जो होती है वो भी जरूरी होती है. It doesn't have to be very sophisticated. You don't need a PhD. तो जरूरी नहीं है कि बहुत ही सुलझी हुई आपकी समझ हो, जरूरी नहीं कि उसमें आपको PhD या डॉक्टरेट मिली हो. Just need to really understand what we mean when we talk about shunyata. लेकिन जब हम शून्यता के विषय में बात करते हैं तब आपको स्पष्ट उसकी समझ होनी चाहिए कि इससे हमारा क्या अर्थ है. So when you meditate, you know which way to go. तो फिर जब आप ऐसे स्थिति में ध्यान करते हैं तब आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है. If you don't understand, your meditation will be wrongly based. और अगर आप उसको समझते ही नहीं तो आपके ध्यान की बुनियाद या आधार ही गलत होगा. So in the practice, yes, you try to experience directly what shunyata means. अब निश्चित ही जब आप वो अभ्यास करते तो उस अभ्यास में आप शून्यता क्या है इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेने का प्रयास करते हैं. But in order to contemplate it in meditation, you need to have a clear conceptual understanding. लेकिन ध्यान में आप उसके विषय में चिंतन करें उसके लिए जरूरी होता है कि उस संकल्पना को आपने पहले अच्छे से समझा है. So that may take some time and maybe we need to do more work on that during this Sangharama. तो हो सकता है उसमें कुछ समय लगे और इस संघाराम में उसको करने के लिए हमें और वक्त देना पड़े. So blue sky, cloud, tree. तो नीला आकाश है, बादल है, वृक्ष है और फिर इसके ऊपर बुद्ध है. So yesterday we were asking, who is the Buddha? तो कल हम सवाल पूछ रहे थे कि बुद्ध कौन है. Again, you can see that having greater conceptual, intellectual clarity about who the Buddha is helps you to appreciate him more fully. तो फिर आप एक बार देख सकते हैं कि जितनी आपको संकल्पना की समझ होगी इसकी बुद्ध वास्तव में क्या है उतना आप उसको ज्यादा अच्छे तरह से सराह पाएंगे. Again, intellectual understanding without direct experience is useless. अब फिर एक बार केवल संकल्पनाओं की समझ है लेकिन उसके साथ प्रत्यक्ष अनुभव की जोड़ नहीं है तो वो भी कुछ फायदे का नहीं है. But just experience is just feeling. लेकिन सिर्फ अगर आप मतलब बिना समझ के अनुभव लेते हैं तो वो केवल एक भावना का अनुभव लेने जैसा हुआ. That's just bhakti. और वो केवल भक्ति जैसा हुआ. You need to be working from both. तो हमें दोनों सिरे से अपना कार्य करना है. So yes, we've been trying to understand a bit more clearly who is the Buddha. तो हम और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर रहे थे कि बुद्ध कौन है. And we saw first of all that the Buddha, of course, has attained Bodhi. तो सबसे पहले हमने देखा कि निश्चित ही बुद्ध जो है उन्होंने बोधि को प्राप्त किया था. Woken up from the dream that we all live in. और हम सब जिस ख्वाब में जीते हैं उस ख्वाब में से वो जाग चुके थे. He knows that, what seems to be permanent is really impermanent. और वो ये बात को जान चुके थे कि जो स्थाई नजर आता है वो अस्थाई है, अनित्य है. He knows that what seems to have a fixed identity really has no such identity. और जैसे दिखाई पड़ता है कि चीजों की एक स्थायी पहचान है ऐसे कोई भी उसकी स्थायी पहचान नहीं होती है. There's no atman, in other words. और दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई आत्मा नहीं होता है उस चीज का. And he knows that there's no happiness to be found in clinging on to impermanent things. और वो ये जान चुके थे कि जो भी अनित्य चीजें हैं उसको पकड़ने की अगर हम कोशिश करते रहे तो उसमें हमें कभी भी कोई खुशी नहीं मिल सकती. That's to put it very, very simply. तो ये बहुत ही सादे तौर पे अगर बताया जाए तो आसान तरीके से बताया जाए. So our Buddha, Gautama, Shakyamuni, he'd seen this. तो हमारे जो बुद्ध है गौतम शाक्य मुनि उन्होंने इन बातों को देखा था. लेकिन सारे पुत्र ने भी देखा था इन बातों को.
और मोगल लायन ने भी ऐसे ही इन बातों को देखा था. So had Dhammadina on our tree. और हमारे वृक्ष पे जो धम्मदीना है उन्होंने भी देखा था. They'd all seen the truth just as the Buddha had seen. और इन सभी लोगों ने इस सच्चाई को उसी प्रकार से देखा था जैसे बुद्ध ने देखा था. But they're not Buddhas. लेकिन वो बुद्ध नहीं है. So we were looking at the difference between the arahats. और इसीलिए हम अरहंत में और बुद्ध में क्या अंतर है फर्क है वो देख रहे थे. And we saw that the main thing about a Buddha is that he or she has awoken when there's no dharma present. और हमने ये देखा था कि बुद्ध के विषय में मुख्य बात ये होती है फिर वो चाहे स्त्री हो या पुरुष वो ऐसे समय में जागृत होते हैं या बुद्ध बनते हैं जब धम्म का बिल्कुल भी कोई अवशेष कहीं पर नहीं होता. They had to find their way to enlightenment by their own efforts, at least in their last life. तो बुद्धत्व तक का उनका जो मार्ग होता है वो उन्हें अपने ही प्रयासों के द्वारा खोजना पड़ता है. So the Buddha is someone who brings enlightenment into the world where there's no enlightenment present. तो बुद्ध ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो उस दुनिया में बुद्धत्व को लेकर आता है जहां पर बुद्धत्व बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता. And then of course the Buddha is one who teaches the way to enlightenment to others. और फिर निश्चित ही बुद्ध वो व्यक्ति होते हैं जो इस बुद्धत्व तक जाने का जो मार्ग होता है वो अन्य लोगों को सिखाते हैं. So at the time of his enlightenment at Bodh Gaya, the Buddha said that He has seen things never seen before. तो अपने बुद्धत्व प्राप्ति के वक्त बोधगया में बुद्ध ने ऐसा कहा था कि उन्होंने चीजों को इस प्रकार से देख लिया है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है. He's a Buddha, so nobody's seen what he's seen before. तो वो बुद्ध है इसलिए उन्होंने वो चीज देख ली थी जो उनसे पहले किसी ने नहीं देखी थी. And then he said, open. Are the doors of the deathless. और फिर उन्होंने कहा कि मृत्युविहीनता के दरवाजे अब खुल चुके हैं. Before they'd been closed. उससे पहले वो दरवाजे बंद थे. There was no path. There was no way forward. और कोई मार्ग नहीं था आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था. They opened those doors. उन्होंने इन दरवाजों को इन किवाड़ों को खोल दिया था. So this is a Buddha. तो ये बुद्ध होते हैं. Of course, it's not easy to be a Buddha. और निश्चित ही बुद्ध होना कोई आसान बात नहीं है. Well, we've got two examples of, as it were, that on a much lower level. तो हमारे पास दो उदाहरण हैं जो उससे बहुत नीचे के मतलब स्तर पर के हैं. Dr. Babasaheb Ambedkar really reawakened India to the Dhamma. तो बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को फिर एक बार मतलब धम्म के लिए खुला कर दिया था. Because he was relying on the Buddha. पर निश्चित ही इसके लिए वो बुद्ध के ऊपर निर्भर थे. He was relying on Buddhists. और वो अन्य बौद्ध लोगों के ऊपर निर्भर थे. He had the Dhamma for him to teach, yeah? और उनके पास धम्म उपलब्ध था अन्य लोगों को सिखाने के लिए. So the Buddha and his Dhamma relies heavily on what the Buddha said. तो बुद्ध और उनका धम्म ये जो ग्रंथ है वो बहुत हद तक उन बातों पर निर्भर है जो बातें बुद्ध ने कही है. But look how much trouble he had. लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. Look how difficult it was for him reawaken the Dhamma. और देखिए कि उनके लिए भी धम्म को फिर से एक बार जीवित करना कितना मुश्किल था. You could say the same about Bhante. आप यही बात भंते के लिए भी कह सकते हैं. When he went back to England, yes, there were some Buddhists. तो जब वो इंग्लैंड वापस गए थे तो हाँ वहाँ पर कुछ बौद्ध लोग थे. But he felt that Buddhism had gone on the wrong direction. लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये जो बौद्ध धर्म है अलग ही दिशा में या गलत दिशा में निकल गया है. He had to make a new start. और उनको एक नई शुरुआत करनी पड़ी. Nobody to support him. और उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था. He had the blessings of his teachers. तो उनके जो भी गुरु हैं उनके आशीर्वाद उनके साथ थे. दिलगो खेंसे रिंपोचे ने उन्हें आशीर्वाद दिया था. धारदो रिंपोचे ने उन्हें आशीर्वाद दिया था.
And the Dalai Lama blessed what he was wanting to do. और दलाई लामा ने भी उन्हें अपने आशीर्वाद दिए थे उस कार्य के लिए जो वो करना चाह रहे थे. But he went to England. He had to do it all by himself. लेकिन जब वो इंग्लैंड वापस गए तो वो सारा कार्य उन्हें अपने आप अकेले करना पड़ा. And it wasn't at all easy. और वो बिल्कुल भी आसान नहीं था. So then you think of the Buddha. There's no support for him. और फिर आप बुद्ध के विषय में सोच सकते हैं, उनके लिए तो कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं थी. No Buddhists. कोई बौद्ध लोग नहीं थे. No Buddhists. कोई बुद्ध नहीं थे. No Dharma. धर्म भी या धम्म भी नहीं था. No Sangha. संघ भी नहीं था. He's got to do it all himself. तो उन्हें हर चीज अपने आप करनी पड़ी थी. It takes exceptional qualities to be, Baba said, it takes exceptional qualities to be Urgen Sangharakshita. तो बहुत ही विलक्षण गुणों की आवश्यकता होती है बाबा साहब बनने के लिए, भंते बनने के लिए. But it takes even far greater capabilities to be a Buddha. लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा क्षमताओं की आवश्यकता होती है बुद्ध बनने के लिए. And the Buddha's own disciples knew this. और बुद्ध के जो अपने शिष्य थे वो इस बात को जानते थे. Even though they knew what the Buddha knew, they knew that the Buddha was far greater than them. तो भले ही वो सारे शिष्य उन सभी बातों को जानते थे जो बातें बुद्ध जानते थे, फिर भी वो ये जानते थे कि बुद्ध उनसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं. And you don't just become a Buddha because of DNA. और केवल आपके शरीर में कुछ DNA है उसकी वजह से आप बुद्ध नहीं बनते. According to Buddhist tradition, it takes many, many lifetimes of consistent effort. तो बौद्ध धर्म के अनुसार कई कई जन्मों में किए गए, लगातार किए गए प्रयासों की उसके लिए आवश्यकता होती है. In other words, it takes many lifetimes on the bodhisattva path. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कई कई जन्म आपको बोधिसत्व के राह पर, मार्ग पर चलना पड़ता है. और बाबा साहब ने इस विषय में बात की है बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में. और उन्होंने इसमें बोधिसत्व की जो भूमि है उसके विषय में बताया है. So, we got a better idea of who the Buddha is. तो हमें एक अच्छी कल्पना आ गई है कि बुद्ध कौन है. But I asked you, who are these two figures? लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि उसके बाजू में ये जो दो आकृतियां हैं ये कौन है. Why do we need Dipankara Buddha? Why do we need Maitreya, the Buddha to be? तो हमें दीपंकर बुद्ध की आवश्यकता क्यों है और जो होने वाले बुद्ध है मैत्रेय उनकी हमें आवश्यकता क्यों है. And I left you to contemplate that. और मैंने यहाँ पर आपको छोड़ दिया था कि आप इसके बारे में सोचिए. I'm sure you've all found the answer. तो मुझे यकीन है कि आप सबको जवाब मिल गया होगा. But anyway, I've got to say it because the camera is rolling. लेकिन मुझे फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि कैमरा चल रहा है यहाँ पर. Well, obviously what this indicates is enlightenment. Buddhahood is not a one-off phenomenon. तो ये बात क्या दर्शाती है कि बुद्धत्व जो है वो किसी एक ही समय में घटित होने वाली घटना नहीं है. In other religions, their great figure is one. तो दूसरे जो धर्म है उनकी जो भी महान व्यक्तिमत्व है या उनमें का जो भी महान चरित्र है वो एक ही होता है. It's just one Jesus. तो एक ही यीशु है. And so on. और इसी तरह से. But what about all the poor people who live elsewhere in other planets? What happens then? लेकिन बहुत सारे अन्य लोग हैं जो दूसरे भी ग्रहों पे रहते हैं, फिर उनका क्या? So this is a big problem. तो फिर उनके लिए तो बड़ी समस्या हो गई ना. It's not a problem for us Buddhists. तो ये कोई हम बौद्धों के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है. Because the possibility of Buddhahood is everywhere. क्योंकि बुद्धत्व की जो बुद्धत्व की जो संभावना है वो हर जगह उपस्थित है. Wherever there's consciousness, there's the possibility of Buddha. तो जहां कहीं भी चेतना है वहां पर बुद्धत्व की संभावना है. So the Buddhist tradition says that even in this world system, there have been a number of other Buddhas before our Buddha. तो परंपरा ऐसी कहती है कि इस दुनिया में हमारे बुद्ध के पहले भी कई कई बुद्ध हो चुके हैं. So according to the earliest tradition, there were five Buddhas before our Buddha.
तो जो सबसे आरंभिक परंपरा है वो ये कहती है कि हमारे बुद्ध के पहले पांच बुद्ध थे. Later they said seven. उसके बाद उन्होंने कहा कि सात थे. By the time Buddhism went to China, they said there were 10,000 Buddhas before. और जब तक बौद्ध धर्म चाइना चीन पहुंचा उन्होंने कहा कि 10,000 बुद्ध थे. It doesn't really matter. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. How are we to know? I don't know how we can know. और हम ये भी नहीं जानते कि इस बात की सच्चाई का हम कैसे पता लगाएं. But again and again, Buddhahood has arisen. लेकिन बार 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 बुद्धत्व जो है वो उभर कर आया है या उत्पन्न हुआ है. According to tradition, each Buddha gains enlightenment by themselves. तो परंपरा के अनुसार हर बुद्ध जो है अपने आप अपने ही प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं. They teach, they form a sangha. वो सिखाते हैं, वो संघ स्थापित करते हैं. And then after many, many years, sometimes thousands, sometimes even hundreds of thousands of years, their dharma is completely lost. और फिर कई कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद या सैकड़ों करोड़ों सालों के बाद उनका जो धम्म है लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है. And again, we've got a little taste of that in India, haven't we? और भारत में हमने उसका थोड़ा सा स्वाद भी चखा है धम्म के लुप्त होने का. For almost a thousand years, Buddhahood completely lost in India. तो लगभग 1000 सालों के लिए बुद्धत्व जो है भारत से पूरी तरह से लुप्त हो गया था. People didn't know what the Buddha images meant. तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं इनका क्या अर्थ है. They thought they were some god, huh? उनको ऐसा लगता था कि ये कोई देवता है. But the temples, the caves and so forth be converted to another religion. तो जो मंदिर है और जो गुफाएं हैं वो किसी अन्य धर्म के पवित्र स्थानों में परिवर्तित हो गई. Fortunately, Buddhism survived outside India. लेकिन सुदैव से बौद्ध धर्म जो है भारत के बाहर जीवित रहा. Unfortunately, some British archaeologists began to discover the Buddhist remains. और सुदैव से जो कुछ अंग्रेज पुरातत्व विभाग के लोग हैं उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की खोज करना शुरू कर दिया. But imagine that it happened all over the world. लेकिन आप इस बात की कल्पना कीजिए कि ये जो भारत में हुआ वो दुनिया में हर जगह हो गया. So nobody knew anything about Buddhism. कि कोई भी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता. Even the word Buddhism wouldn't have been heard. और बौद्ध धर्म ये शब्द भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता. All the remains would be underground. जो भी अवशेष है उसके वो सारे जमीन के अंदर खो गए. All the books would have been burned or just disintegrated. तो सारी किताबें जो है वो जल गई है या इधर उधर बिखर गई है. So when it's all disappeared, you need another Buddha. और जब हर चीज जो है वो गायब हो जाती है तब आपको दूसरे बुद्ध की आवश्यकता होती है. So along comes another Buddha. और फिर ऐसे वक्त में दूसरे बुद्ध आते हैं. So Dipankara represents those Buddhas from the past. तो दीपंकर भूतकाल के या गतकाल के उन बुद्धों का प्रतिनिधित्व करते हैं. After our Buddha has died, of course. अब जब हमारे बुद्ध हैं उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात one day all trace of his teaching will disappear. एक दिन उनकी शिक्षाओं के सारे जो अवशेष हैं वो सब गायब हो जाएंगे. If we do our work, that will be a long time in the future. लेकिन अगर हम अपना काम करते हैं तो वो समय आने में बहुत वक्त लगेगा. But once all trace of the Buddha disappears, then Maitreya comes. लेकिन जब बुद्ध धम्म के सारे नामो निशान मिट जाएंगे तो ऐसे वक्त में मैत्रेय आएंगे. And the tradition is that Maitreya is, as it were, waiting for when he's needed. और परंपरा ऐसे कहती है कि मैत्रेय राह देख रहे हैं उस वक्त की जब उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है. He's completing his own path. और वो जो है खुद अपना मार्ग जो है उसकी जो भी जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं. Sometime in the incalculable future, you'll be reborn. और फिर कई कई साल के बाद में वो उनका जन्म होगा. And he'll regain enlightenment. और वह ऐसे समय में वो फिर से बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे. This is what the tradition teaches.
तो परंपरा ये सिखाती है। We mustn't get too hung up on detail, yeah? तो इसकी जो बारीकियां है उसमें बहुत ज्यादा उलझने की हमें जरूरत नहीं है। We mustn't take it all too literally. और इसमें से हर शब्द को हमने जैसा है वैसा ही लेने की जरूरत नहीं है। तो पांच ही थे क्या, सात ही थे क्या, 10,000 थे क्या, मुझे नहीं पता। It doesn't really matter. और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। What matters is that enlightenment can arise anywhere in the universe. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धत्व इस ब्रह्मांड में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। And even once the Dhamma is lost, it can be revived. और भले ही धम्म पूरी तरह से लुप्त हो जाए उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। And you could even say it will arise. और आप कह सकते हैं कि वो निश्चित ही पुनर्जीवित होगा। So long as there are bodhisattvas, someday they will be Buddhas. तो जब तक बोधिसत्व है वो बोधिसत्व एक ना एक दिन बुद्ध बनने ही वाले हैं। So yes, Dipankara represents Buddhahood in the past. तो दीपंकर जो है वो भूतकाल के बुद्धत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये च बुद्धा अतीताच मैत्रेय ये च बुद्धा अनागता। तो दीपंकर जो है भूतकाल के, ये च बुद्धा अतीताच उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैत्रेय ये च बुद्धा अनागता यानी आने वाले बुद्धों का। एंड शाक्यमुनि ये च बुद्धा पचुपना। और शाक्य मुनि वर्तमान काल के बुद्ध का यानी पच्चुपन्ना अभी के। So we're looking not just to our as it were our own Buddha, but to the principle of enlightenment. तो हम केवल अपने बुद्ध की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन बुद्धत्व का जो तत्व है उसकी ओर देख रहे हैं। And enlightenment, the principle of enlightenment is deep within the nature of things. और बुद्धत्व का ये जो तत्व है वो चीजों का जो स्वभाव है उस स्वभाव में गहराई से समाया हुआ है। Somebody could ask you, what is the nature of this existence? तो कोई आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो अस्तित्व है इस अस्तित्व का स्वभाव क्या है, इसके लक्षण क्या है? One answer you could give, it's an existence within which enlightenment is possible. तो एक उत्तर आप ऐसा भी दे सकते हैं कि ये अस्तित्व ऐसा है जिस अस्तित्व के अंदर अंदर बुद्धत्व संभव है, बुद्धत्व प्राप्त करना। Of course, there are stories attached to these two figures. तो निश्चित ये दोनों जो आकृतियां हैं इनसे जुड़ी हुई कहानियां भी हैं। Whether they're literally true or whether they're true myths, we don't know. तो वो शब्दशः सच है या वो वास्तविक ऐसी दंत कथाएं, ये हम नहीं जानते। लेकिन दीपंकर की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है। Apparently at the time of the Buddha Dipankara and he's many Buddhas back as it were in the tradition. तो दीपंकर के वक्त में और उससे भी पहले जो है परंपरा में कहा जाता है कि बहुत बहुत बुद्धों के काल के पहले। At that time there was a great scholar whose name was either Sumedha or Sumitra. तो उस वक्त एक मतलब बहुत बड़े ऐसे विद्वान पंडित हुए थे, उनका नाम सुमेधा था या सुमित्रा था, ऐसे कुछ था, नाम से उतना फर्क नहीं पड़ता। He was very young but very brilliant. तो वो बहुत ही युवा थे लेकिन बहुत ही तेजस्वी थे, होशियार बुद्धिमान थे। And any scholars he debated with, he always won. और जो भी अन्य विद्वान पंडित थे जिसके साथ वो वाद विवाद या तर्क वितर्क करते थे वो हमेशा जीत जाते so थे। So the scholars sent him to a big conference in a capital city. तो वो बाकी के जो विद्वान हैं वो एक परिसंवाद के लिए एक बड़े शहर में उनको भेज देते हैं। But when he got there, he found there was something very remarkable happening. तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही विलक्षण ऐसे घटना घटित हो रही है। There's a lot of preparations going on. तो बहुत सारी तैयारियाँ की जा रही है। You know, there were banners being put up. तो बहुत सारे जो है बैनर लगाए गए थे। Garlands being hung. तो और फूल मालाएं इधर उधर टंगी हुई थी। The streets
cleaned with perfumed water. और जो रास्ते थे वो भी सुगंधित जल से मतलब उसको साफ किया जा रहा था. So he asked, well, what's happening? तो फिर वो वहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. And they said, well, the Buddha is here. और फिर उन्हें से बताया जाता था कि गया कि यहाँ पर बुद्ध है. The Buddha Dipankara is visiting. तो बुद्ध दीपंकर जो है वो आने वाले हैं यहाँ पे भेंट देने के लिए. तो सुमेध जो है वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने भी उन्हें कुछ अर्पण करना चाहिए. So he tried to find some flowers to offer to the Buddha. और इसीलिए फिर बुद्ध को भेंट करने के लिए वो कुछ फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं. But he couldn't find any flowers. None of the flower sellers had any. लेकिन उन्हें बिल्कुल कहीं कोई फूल नहीं मिलते हैं. जो भी फूल बेचने वाले लोग होते हैं उनके पास फूल ही नहीं होते बचे हुए. और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस शहर का जो राजा था उसने सारे ही फूल खरीद लिए थे क्योंकि वो फूलों की एक बहुत बड़ी भेंट बुद्ध को देना चाहता था. तो सुमेध जो है थोड़े से चिंतित हो गए कि क्या करूं मैं. So he went searching here and there. और फिर वो यहाँ वहाँ वो कुछ ढूंढने के लिए निकल गए. And he encountered a beautiful young maiden. और बहुत ही एक सुंदर दिखने वाली ऐसे तरुण लड़की से या युवा लड़की से उनसे भेंट होती है सुंदरी से. One of those stories. तो एक कहानी है बहुत सारी कहानियों में से. And she had seven lotuses. और उसके पास जो है कमल के सात पुष्प थे. So he asked her, please let me have some of those lotuses. तो फिर वो उनसे विनंती करते हैं कि इनमें से कुछ फूल मुझे दे दो. No, I'm going to offer those. तो वो कहती कि नहीं मैं उन्हें बुद्ध को भेंट देने वाली हूँ. So he offered her money. तो वो उन्हें पैसे देते हैं वो लड़की को. No. तो कहती है नहीं. So eventually she said, I will give them to you on one condition. तो वो कहती है फिर अंत में कि एक शर्त पे मैं तुम्हें ये फूल दे दूंगी. Next life you marry me. तो अगले जन्म में तुम मुझसे शादी कर लो. So now you know how to get a husband. तो अभी तुम्हें मतलब आप लोगों को पता है कि पति कैसे ढूंढना है. Beware of ladies carrying seven lotuses. और अगर कोई लड़की सात कमल के फूल लेकर जा रही है तो उससे सावधान रहिए. So he had the lotuses. He had the lotuses. I do. I was thinking, why didn't she say marry me in this life? Oh, because he was brahmachari. Okay. You need to explain that to me. Oh. तो वो फूल उनको मिल जाते हैं. And, so he went to, the Buddha. और फिर वो बुद्ध के पास जाते हैं. And he offered the lotuses. और वो उन्हें फूल भेंट करते हैं. And he had lovely long hair. सुमेधा. Yeah. तो और वो सुमेध कैसे लंबे ऐसे बाल थे बहुत सुंदर से. He's in a top knot. और वो ऐसे जूड़ा बांधा हुआ था उन्होंने अपने so बालों का. He let down his top knot. तो वो उन्होंने जो जूड़ा बांधा था अपने बालों का वो खोल देते हैं. And he spread his hair on the ground for the Buddha to walk over. और फिर वो अपने बाल जो है वो जमीन पर बिछा देते हैं ताकि बुद्ध उसके ऊपर से चल कर जाए. And मतलब he said that I vow that I will become a Buddha. और फिर वो कहते हैं कि मैं कसम लेता हूँ यहाँ पर या प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बुद्ध बनूंगा. So Dipankara made a prediction. तो बुद्ध दीपंकर जो है वो भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं. Yes, you will become a Buddha. तो वो कहते हैं कि हाँ तुम जरूर बुद्ध बनोगे. You will be born at such and such a time. तो आप ऐसे ऐसे समय पर जन्म लोगे. Your parents will be Suddhodana and Mahadevi. तो आपके जो माता पिता है वो शुद्धोदन और माया देवी होगी. And you will be, become the Buddha Shakyamuni. और आप बुद्ध शाक्यमुनि बनेंगे. Again, it's a nice story. फिर एक बार ये बहुत अच्छी कहानी है. Some people say that this is perhaps the origin of the image of Padmapani.
तो कुछ लोग कहते हैं कि इसी कहानी में से जो है पद्म पानी का चित्र जो है वो निर्मित हुआ है. But what it tells us is that many, many lifetimes before, the Buddha Shakyamuni took a vow to gain enlightenment. लेकिन कहानी हमें क्या कहती है कि कई 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 जीवन पहले बुद्ध शाक्यमुनि ने एक प्रतिज्ञा ली थी बुद्धत्व को प्राप्त करने की. And he made the efforts to develop the paramitas lifetime after lifetime. और अपने हर जन्म में उन्होंने प्रयास किया कि वो पारमिताओं को पूरा करे. And that's how he eventually came to be able to reawaken the Dhamma. When it had completely disappeared. और इसी तरह से वो इस बात में सक्षम हुए कि जब धम्म पूरी तरह से लुप्त हो गया था तो वो उसको फिर से जीवित कर पाए. These sort of stories, they tell you something important. तो इस प्रकार की कहानियां जो है वो आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें बताती हैं. You can believe them literally if you want to, that's fine. तो अगर मतलब वो कहानियां सच है इस तरह से आप उनके ऊपर यकीन करना चाहते तो अच्छा है. Or you can take them as teaching stories, huh? या फिर आप उनको इन कहानियों की तरह से देख सकते हैं जिन कहानियों में कुछ शिक्षा होती है. For instance, when I was telling the story, I saw the look on your faces. तो जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा था तो मैं आपके चेहरे पे जो भाव थे उसको देख रहा था. Something really delightful about the story, yeah? तो इस कहानी में आनंद देने वाला ऐसा कुछ था. So it brings you closer to the meaning. तो इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ के आपके करीब लेकर आता है आपको वो आनंद देने वाली बात. Similar stories are told about Maitreya. तो मैत्रेय के विषय में भी इसी प्रकार की कहानियां बताई जाती है. He took his bodhisattva vow under another Buddha at a previous time. तो भूतकाल के कोई अन्य बुद्ध है उन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली है. And he's now awaiting his final birth where he will become a Buddha. और अब वो अपने अंतिम जन्म की राह देख रहे हैं जहां पर वो बुद्ध बनेंगे. So that gives us a sense of the Buddha in the larger perspective. तो एक बड़े परिपेक्ष में बुद्ध का वो एक भाव हमें देता है हमारे सामने रखता है. At least in terms of history. या कम से कम ऐतिहासिक परिपेक्ष में. But we have to also consider space. लेकिन उसके साथ मतलब समय के साथ हमें स्थान को भी देखना पड़ता है. So to understand this, we need to know a little bit about traditional Buddhist cosmology. तो इसको समझने के लिए बौद्ध धर्म के ब्रह्मांड के विषय में क्या जानकारी या समझ है उसको हमें देखना पड़ता है. The Buddhist tradition speaks in terms of world systems. तो बौद्ध धर्म जो है ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड की प्रणालियां है ऐसे बात करता है. So a system which all the planets, all the sun and so forth all come into existence at the same time. तो इस प्रणाली में जो भी ग्रह है जो भी सूर्य है तो ये सभी जो है एक ही वक्त में निर्मित होते हैं. Of course they slowly evolve, huh? अब निश्चित ही वो धीरे धीरे विकसित होते हैं उत्क्रांत होते हैं. Eventually they begin to devolve. और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो उत्क्रांत होते हैं उसी प्रकार से वो नष्ट भी होते हैं. So they're created and they're destroyed. तो वो निर्मित होते हैं और वो नष्ट भी होते हैं. It's quite interesting that some of the details of this are quite similar to the way astrophysicists think about our own planet. और ये बात रोचक है कि इस बात की जो बारीकियां है उसी तरह से आज के जो खगोल शास्त्री है वो इस मतलब ब्रह्मांड की निर्मिति की बातें उसी प्रकार से बताते हैं. But it's not just, there's not just one world system. लेकिन केवल एक ही दुनिया है ऐसे नहीं है. Within one world system, Buddhas arise. तो एक दुनिया में बुद्ध उत्पन्न होते हैं. So what we've been talking about is the Buddhas who arise within this world system. तो जिस बुद्धों के विषय में हम बात कर रहे हैं वो बुद्ध जो है इस दुनिया की जो दुनिया में उत्पन्न हुए जो दुनिया को हम जानते हैं. But there are countless world systems.
लेकिन ऐसे कई सारी दुनियाएं हैं मतलब And in each of those world systems it's possible for Buddhahood to arise. और हर दुनिया में बुद्ध उत्पन्न होना संभव है या बुद्धत्व संभव है get this extraordinary picture. तो ये बहुत ही विलक्षण चित्र हमारे सामने आता है Our Buddha is just one of a whole succession of Buddhas in this world system. तो इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे भी दुनिया है उन सारी दुनिया में या उस सारे प्रणाली में जितने भी बुद्ध है उसमें से हमारे बुद्ध केवल एक ही बुद्ध है And in the future, there will be many more. और भविष्य में ऐसे कई सारे बुद्ध होने वाले हैं Well, of course, we have to have somewhere to gain Buddhahood. और निश्चित ही हमें भी कहीं ना कहीं किसी दुनिया में बुद्धत्व प्राप्त करना होगा I'm not going to predict anybody to perfect enlightenment because I've got to get there first. तो मैं किसी के बुद्धत्व प्राप्त करने की भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे पहले खुद बुद्धत्व प्राप्त करना पड़ेगा. But it's not just that's not just within this world system. तो ये जो एक दुनिया है जिसको हम जानते हैं केवल इसमें ही वो नहीं है. Countless Buddhas throughout space. तो पूरा जो अंतरिक्ष है उसमें अनगिनत बुद्ध है Again, you don't need to take all this absolutely literally. फिर एक बार एकदम ही शब्दशः इसको सच मानने की आपको जरूरत नहीं है But when we think about Buddhahood, don't think just one Buddha bus. तो जब भी आप बुद्धत्व के बारे में सोचते हैं तो इस प्रकार से आपको नहीं सोचना है कि एक ही बुद्ध है बस Buddhahood possible everywhere Anytime. तो कहीं पर भी किसी भी समय बुद्धत्व प्राप्त करना संभव है So we need to have this vast vision. तो एक बहुत व्यापक ऐसे दृष्टि हमारे पास होने की आवश्यकता है Otherwise we become so fixated on this situation here now. तो नहीं तो यहाँ पर अभी जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में अटक कर हम रह जाते हैं And we miss the real nature of Buddhahood. और बुद्धत्व का जो वास्तविक स्वभाव है उसको हम नहीं देख पाते It's part of the nature of things. तो जो भी चीजों का स्वभाव है उस स्वभाव का ही ये हिस्सा है Enlightenment isn't something added on. तो बुद्धत्व ऐसा कोई नहीं है जो उन चीजों पर ऊपर से थोपी गई बात है ऊपर से चिपकाई गई बात है It's implicit in the way things are. तो चीजें जैसी है उनका जो वास्तविक स्वभाव है उस स्वभाव के अंदर ही बुद्धत्व अंतर्निहित है The potential for enlightenment is everywhere. तो बुद्धत्व प्राप्त करने की जो क्षमता है वो हर जगह उपस्थित है Wherever there's consciousness, there's a possibility of enlightenment. तो जहां कहीं भी चेतना है वहां पर बुद्धत्व प्राप्ति की संभावना है The more that consciousness is developed, the more possibility. और वो चेतना जितनी अधिक विकसित होती है उतनी ही वो संभावना अधिक ज्यादा प्रबल होती है So, look around the room. तो इस कमरे में हर और देखिए 30 or 40 different possibilities of enlightenment. तो यहाँ पर बुद्धत्व की 30 या 40 ऐसे संभावनाएं उपस्थित है अलग अलग संभावनाएं So, when you see those three figures, recognize it means much more than just those three figures. तो जब भी आप इन तीन आकृतियों को देखते हैं तो इस बात को जानिए कि ये तीन आकृतियां जो है केवल आकृतियां नहीं है तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है You're to think of countless Buddhas in the past. तो आपको भूतकाल के अनगिनत बुद्धों के बारे में सोचना है countless Buddhas in the future. और भविष्य के अनगिनत बुद्ध हैं And even right now, countless Buddhas. और अभी भी अनगिनत बुद्ध हैं Because Buddhahood is a possibility everywhere. क्योंकि बुद्धत्व ऐसी क्षमता है जो हर स्थान पर हर जगह उपस्थित है So when you're visualizing the Buddha with Dipankara and Maitreya, let there be something of this feeling. और इसीलिए जब आप बुद्ध को देखते हैं दीपंकर और मैत्रेय तो ये जो भावना है कुछ उसके साथ रखिए You're aware of the extraordinary majesty of enlightenment. तो बुद्धत्व का ये बहुत ही जो अद्वितीय मतलब रहस्य है या जादू है उसके विषय में आप जागृत रहिए something that our minds can't really fathom.
तो ये ऐसी बात है जो हमारा मन बिल्कुल समझ ही नहीं सकता है। These stories I've been telling you, these images I've been giving you, are just ways of us trying to get to understand what Buddhahood really means. और ये जो चित्र, ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये केवल एक तरीका है उस बात को समझने का कि बुद्धत्व वास्तव में क्या है। But of course, we haven't really yet got to what Buddhahood means. लेकिन अभी भी हम उस बात के करीब नहीं पहुंचे हैं कि बुद्धत्व वास्तव में क्या है। Yesterday I left you with something else to think about. तो कल मैंने आपको किसी और चीज के बारे में भी के साथ भी छोड़ा था कि इसके बारे में आपको सोचना है। I mentioned that behind the Buddha are the 84,000 scriptures, Dhamma books. तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बुद्धत्व, बुद्ध के पीछे जो है 84,000 किताबें हैं। लेकिन मैं आपको और समय दे रहा हूँ कि आप उसके विषय में सोचिए। I'm going to give you something else to think about. और उसके साथ मैं आपको और कुछ दे रहा हूँ जिसके विषय में आपको सोचना है। Who really is the Buddha? बुद्ध वास्तव में कौन है, वाकई में कौन है? Who really is the Buddha? तो वाकई में बुद्ध कौन है? And we'll try tomorrow to see if we've got some answers to that. और कल हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसके कुछ उत्तर हमारे पास है या नहीं। Because the refuge tree has something to tell us about who the Buddha really is. क्योंकि इस शरण वृक्ष के पास हमें बताने के लिए है कि बुद्ध वास्तव में कौन है। In a way, you've got a clue because we've seen that the roots of the Buddha and the at the roots of the tree on which the Buddha sits are in the cloud. तो निश्चित ही एक इशारा आपको मिल ही गया है क्योंकि जिस वृक्ष के ऊपर बुद्ध बैठे हैं, हमने कहा कि उस वृक्ष की जड़ें जो है वो आकाश में, नीले आकाश में, उस बादल में। And then that a cloud is in the sky. और वो बादल जो है वो आकाश में है। Which means in reality. जिसका अर्थ है वास्तविकता में है, शून्यता में है। So that we know quite a lot from that. तो उसमें से हमें बहुत कुछ पता है। But who really is the Buddha? लेकिन फिर भी वाकई में या वास्तव में बुद्ध कौन है, सच में बुद्ध कौन है? So, reflect on that. तो उसके ऊपर चिंतन कीजिए। After all, you're going down, you're going for refuge to him. तो क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं, आप दंडवत कर रहे हैं, आप उसकी शरण में जा रहे हैं, और इसलिए ये बहुत अच्छी कल्पना है इस बात को जानना कि आप किसके शरण में जा रहे हैं। एक तरह से आप नहीं जान सकते, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप बुद्ध को और अच्छे से समझे। Examine that tomorrow. और कल हम इसका और अधिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। Thank you. नमो बुद्धाय, जय गुरु।